नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी नेता कपिल शर्मा अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा भड़क उठी, जिस पर कपिल शर्मा ने कहा, जहांगीरपुरी से जितने दंगे पकड़े जा रहे हैं ये सब लोग दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। मुख्य अपराधी अंसार यहाँ से औरतों को सड़कें बंद करवाने के लिए लेकर सीनमपुर, जफराबाद, शाहीन बाग जाता था। इसके कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, उमर खालिद से रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं उनका वीडियो। जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे, उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।